ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुस्तक है शरणागति, तो उस पुस्तक से ये लिया गया है भजन। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बिल्कुल बाबा जी भेष में रहते थे, इस तरह से संन्यास ले चुके थे, भजन करते थे, तो उसमें भजन लिखा था। बहुत सुंदर एक भजन है, हम इसको गाएंगे। एको न बुझे न प्रभु चरण तुम्हारा, न बुझे न प्रभु तुम्हार चरण, एको ना बुझे न प्रभु तुम्हार चरण, अशोक भय पूर्ण सर्व अशोकाया भंगता पूर्ण सर्व सकल छड़िया तुआ चरण कमाले, पड़िया छिनामी नाथ तव पद तले, तव पद पद्मनाथ रखिबे अमारे, तव पद पद्मनाथ रखिबे अमारे, आग राख करता नाई ए भव संसारे, ए भव संसारे, आवी का बहुत दास जानी लो ये बारो, आमी तवा नित्य दास जानी लो ये बारो, हमार पालन भार एखन तुमार, बड़ दुख पाई स्वतंत्र जीवन, बड़ दुख पाई
स्वतंत्र जीवाने दुख दूर गेल ओ पद बराने जे पद लगिया राम तपस्या करिला जे पद लगिया राम तपस्या करिला जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला पद लभिया ब्रह्मा चितथ होइला ब्रह्मा जे पद नारद मोने हृदय धरिला से इसे अभय पद सिए ते धरिया परम आनंद नाचे पद गुण गाइया संसार विपद होइके अवस्था उदार भगवती विनोद पद कहिबे तोमार भगवती विनोद कहिबे तोमार भगवती विनोद करिबे तोमार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जय जय प्रभुपाद जय शैल प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये पद था भक्ति विनोद ठाकुर जी का। इस पे हम दो मिनट चर्चा करेंगे, फिर आज के श्लोक को लेंगे। जैसे कह रहे हैं, एखो ना बुझीबे बुझीनो प्रभु तुमार चरण अभय अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्व क्षण। कि एखो ना बुझीनो प्रभु, अभी मुझे समझ में आया है, एखने अभी अभी क्या, कि जो आपके चरण हैं हे भगवान वो क्या है, अशोक मतलब आपके चरण कमलों में जो भी शरण लेते हैं वो शोक से मतलब उनका शोक क्षय हो जाता है, शोक से बच जाते हैं। और अभय अशोक अभय अमृत, अशोक शोक हटा देता है, अभय प्रदान करता है और अमृत का आस्वादन कराता है। तीन चीजें भगवान के चरणों में, क्या जीवन का सारा टेंशन खत्म, और अभय मतलब आगे आने वाले, जैसे अशोक शोक होता है पिछले कार्य के लिए, समझना चाहिए हमें। देखिए ये कई जगह ये शब्दावली आती है भागवतम में, कई जगह ये पंखा बंद करिए, तो उसमें ये होता है शोक होता है कि काश अगर ऐसा नहीं हुआ होता, काश अगर मैं ऐसा नहीं किया होता, उसके लिए शोक होता है पुराने कर्मों के लिए, ठीक है। भविष्य के लिए भय होता है, काश ये मतलब ये चला ना जाए, जो भी मेरे पास है वो चला ना जाए, भय होता है। और तो वर्तमान में डर लगा, तो वर्तमान में हमें अमृत का प्राप्ति हो, पीछे के लिए शोक खत्म हो जाए और आगे के लिए भय खत्म हो जाए। अभय अभय अशोक और वर्तमान के लिए अमृत, ठीक है, तीनों कालों में दे रहे हैं पूर्ण सर्व क्षण। और प्रत्येक क्षण इन चीजों से भगवान का चरण पूर्ण है, अभी अभी मुझे एहसास हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। सकल छाड़िया तुआ चरण कमाले पड़िया छे आमिनाथ तव पद तले। कह रहे कि सब कुछ छोड़ करके मैं आपके चरण कमलों में पड़िया छे आया हूँ तव पद तले, कि सब कुछ छोड़ करके अब मैं आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए आया हूँ, है कि नहीं। अब जब ये रियलाइज हो गया कि आपके चरण कमल में ही सब कुछ मिल सकता है, तो फिर और कुछ का आशा रखने का क्या फायदा, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुआ पद दिलू तिलांजलि, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ तिलांजलि देकर के आया हूं। तो वैसे भगवान कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर कि सब कुछ छोड़ करके जब ये पता चल गया तो आपके पद तल में आया हूं। तव पद पद्मनाथ रखी बे रमारे आरो रख करता नाही ए भव संसारे। तव पाद पद्मनाथ हे नाथ अपने चरण कमलों को मेरे सर पे रखिए, आर रखा करता नहीं ए भव संसारे, कि आपके अलावा और करता नहीं है। हमें लगता है कि हम करता है, हम पालन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान आप पालन करता है। देखिए जब कोई माता के गर्भ में कोई शिशु रहता है तो उस समय भी जो शिशु में चेतना आता है उसको भूख प्यास लगने शुरू होता है, बच्चे को पता भी नहीं होता कि कैसे उसका पेट भर रहा होता है, ना ही माता को पता होता है कि कैसे बच्चे का पेट भर रहा होता है। माता थोड़ी ना अपने पेट में हाथ डाल करके कुछ बच्चे को खिला रही होती है या कुछ कर रही होती, कोई पता नहीं होता है माता को ना पिता को, कोई पता नहीं होता है। लेकिन भगवान उस समय भी भरण पोषण कर रहे होते हैं, और जो बच्चा जन्म लेता है उस समय तुरंत माता के छाती में स्तनों में तुरंत दूध प्रोवाइड कर देते हैं बच्चे का भोजन। ये माता के हाथ में नहीं होता, अगर हाथ में उससे पहले क्यों नहीं, उससे पहले नहीं निकलता है। और जो बच्चा सब कुछ रोटी दाल चावल खा करके अपना भरण पोषण करने लगता है, धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। ये देखिए भगवान ने बनाया है कि कैसे जिसको भगवान ने पेट दिया है उसका पेट भरना है, ये भगवान की व्यवस्था है। और ये रक्षति इति विश्वासो सर्विद शरणागति में से एक है गोप तृत्वेन वर्णम तथा, कि हर परिस्थिति में कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, मेरा भरण पोषण करेंगे। तो यही भरोसा के साथ भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं कि आपके अलावा और करता नहीं है इस भव संसार में, आप करता हो, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो बस जो असली करता है आप है, और
और सबका नाम होता है कि हाँ मैं नौकरी करके पेट भर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री लगा रखा हूँ, इतने लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। ठाकुर जी करता है सब, अमार पालन भार एखन तुमार बड़ दुख पाइया छे स्वतंत्र जीवन। और इसे तीन लाइन है कि अमार पालन भार एखन तुमार, कि आज से मेरे पालन का जो भार है, जिम्मेदारी है वो आपका, वो बड़ा दुख पाइया छे स्वतंत्र जीवन। बड़ा जन्म जन्मांतर से मतलब स्वतंत्र रूप से आपसे अलग होकर के भोग की इच्छा से बहुत 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 दुख पा रहे हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। अच्छा अभी सुखी नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो पक्का सुखी हो जाऊंगा। लेकिन माया देवी प्रभुपाद जी कहते हैं कि गधे के सामने गाजर लटका करके गधे को आगे बढ़ाना होता, तो ऐसे माया देवी को सृष्टि करना है, तो सृष्टि कराती रहती, आगे बढ़ाती रहती कि अच्छा अभी वह खुश नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेंशन ले लो, आगे चल के सुख हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि बड़ो दुख पाई अच्छे स्वतंत्र जीवन, खुद के प्लानिंग बहुत जन्म जन्मांतर से दुख पा रहा हूँ। दुख दूरे गेलो उपद वर्ण, जो आपके चरण कमलों का अगर वर्ण करने से, स्वीकार करने से दुख दूर चला जाता है। जे पद लागिया रमा तपस्या करीला, जे पद पाइया शिव शिव पलभिया, कि जो पद पाने के लिए, लालसा के लिए रमा देवी तपस्या कर रही हैं। अब ब्रज में जाएंगे तो बेल वन में आज भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं कृष्ण के चरण कमलों को पाने के लिए, है कि नहीं। और भगवान का कृपा प्राप्त करके शिव जी ने शिवत्व प्रदान किया, मतलब प्राप्त किया कि जो भी भगवान के शिव जी के अंदर शक्तियां आई हैं। और अभी हम लोग बहुत अच्छे से भक्ति भाव में शिव जी के ऊपर कर रहे थे, तो दिख रहा था कि भगवान की शक्ति प्राप्त करके शिव जी ऐसे कार्य करते हैं। और जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने का वो करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं और सृष्टि कर पाते हैं। जे पद नारद मुनि हृदय धरिला, और जिन चरण कमलों को नारद मुनि हमेशा अपने हृदय में धारण कर करके नारायण नारायण करके घुमा करते हैं, सही से अभय पद सिरे दे धरिया, वही आपका चरण जो अभय चरण कमल है मैं अपने सिर पे धारण करना चाहता हूँ। परम आनंद नाची पद गुण गाइया, और आपके चरण कमलों को अपने सर पे धारण कर करके बिल्कुल नाचते हुए गाते हुए आपके चरणों का, चरण कमलों का, आपके गुणों का गुणगान करूंगा मैं। संसार विपद होइते अवश्य उदार, भक्ति विनोद पद करीबे तुम्हार। और ये कार्य करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि संसार के विपद से अवश्य उद्धार हो जाएगा। अहम करिष्यामि दुरंत पारं तमो मुकुन्दाग्र निशैवैव, ये संन्यास का मंत्र है जो कि इस्कॉन में भी दिया जाता है, अवंती ब्राह्मण का प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद यही श्लोक को या मंत्र को बोल के घुमा करते थे कि अगर ये सब कार्य करेंगे तो गारंटी होता है कि अवश्य उद्धार हो जाएगा इस संसार के उससे। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का। तो आज का श्लोक है इसी से रिलेटेड था, श्रीमद् भागवतम। भागवतम कहाँ है? भागवतम का फोर्थ कैंटो 24th चैप्टर और श्लोक संख्या था 74। तो एक तो भागवतम ला के मुझे दिया जाए और ऊपर से रोजी बोर्ड पे इसको लगा दें, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल से बोल रहा हूँ, आप लोग इसके पीछे पीछे उच्चारण करिएगा। ये रुद्रगीत का, रुद्रगीत पूरा सुना दिए हैं भगवान शिव जी प्रचेताओं को, और सुनाने के बाद आखिरी में बोल रहे हैं कि जो मैं ये बोला हूँ, श्लोक सुनाया हूँ, ये सब इसको आप लोग ध्यान से जप करिएगा। तो श्लोक का उच्चारण करेंगे।
अथ इदं नित्यदायुक्त जपन वहित पुमान जपन अवहित पुमान अच्छी रात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण अथ इदं नित्यदायुक्त जपन वहितः पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण अथ इदं नित्यदायुक्त जपन अवहितः पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण अथ इदं नित्यदायुक्त जपन अवहितः पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण अथ इदं नित्यदायुक्त आचिरात श्रेय आपनों के देवा परायण आदेदम नित्यदायक जपन अवहित पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण माता जी अथेदम नित्यदायक नित्यदायुक्त जपन वहित पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायण बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे अभय चरणारविंद भक्तिदास स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अथ इस प्रकार इदं यह नित्यदा नियमित रूप से युक्त मनोयोग से जपन मन के भीतर जपने से अवहिता पूर्ण रूप से सतर्क पुमान मनुष्य अचिरात अविलंब श्रेय कल्याण आपनोति प्राप्त करता है वासुदेव परायण भगवान कृष्ण का भक्त। इसका अनुवाद इस प्रकार है भवानुवाद भगवान कृष्ण के भक्त जिनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक स्तोत्र का जप करता है शीघ्र ही जीवन के परम सिद्धि प्राप्त होती है। और इसका परपट तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर दिए हैं, एक से बढ़ के एक लाइन दिए हैं इस तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य है, श्रवण कीजिएगा। पहला लाइन बहुत खतरनाक है, सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1-2-7 में कहा गया है वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामुखा, जीवन का चरम लक्ष्य वासुदेव या कृष्ण है। श्री कृष्ण का कोई भी भक्त केवल स्तुति करने से समस्त सिद्धि भौतिक लाभ तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
बड़े बड़े ऋषियों तथा महापुरुषों ने, ब्रह्मा तथा शिव ने भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुतियां की हैं। भगवान कृष्ण शिव विरंची उत्तम कहलाते हैं, नूतम कहलाते हैं। भागवत 11.5.33 में ये बताया गया है, शिव अर्थात शिव जी तथा विरंची अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों देवता भगवान वासुदेव कृष्ण की स्तुति करते हैं। यदि हम इन महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चले और भगवान कृष्ण के भक्त बन सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, वे नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्धि भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा है। भागवत 7.5.31, माया से समझौता करके प्रसन्न रहना असंभव है। श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बन सकता है। जीवों को इस विपदा से बचाने के लिए ही भगवत गीता 7.19 में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया है, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः परम सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञानी मनुष्य भली भांति यह जानते हुए कि वासुदेव रूप में ही सब कुछ हूँ, मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत सुदुर्लभ होता है। वासुदेव के भक्त बनकर हम जो चाहे वही वर प्राप्त कर सकते हैं। बिना भगवान के भक्ति किए कुछ नहीं मिल सकता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तौर पर नहीं तो प्रार्थना करते हैं श्री प्रभुपाद जी से, आचार्यों से, भगवान से कि भगवान मति दे, बुद्धि दे कि इस पे जो ये दिव्य श्लोक है इस पर चर्चा करने का प्रयास कर सके। ओम अज्ञान्ति निरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्ववदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामितम् सजीवं सावेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखामिताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकम करोति वाचालम् पंगुल पंगुल लंगयेत गिरि यत् कृपात महम्मदे श्री गुरु दिनतारिणः परमानंद माधवम् श्री चैतन्येश्वर। गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी बाहर डाक सकता और गूंगा व्यक्ति भी वाचाल बन सकता है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का कृपा का याचना करूंगा। जो भी वैष्णव लोग समस्त वैष्णव से वैष्णव आशीर्वाद की कामना करूंगा, प्रभु जी से आशीर्वाद कामना करूंगा। सही मतलब इसके बहुत गुण ये सब्जेक्ट मैटर है, इसका हमको चर्चा करने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक शिव जी बोल रहे हैं
और प्रचेताओं को, 10 प्रचेताओं को। अब इससे पहले कई दिनों से यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा था, इसमें शिव जी एक गीत सुना रहे थे, एक स्तोत्र सुना रहे थे, कुछ श्लोक सुना रहे थे जो कि भगवान का गुणगान था। एक्चुअली है क्या इस रुद्र गीत में, 3 चीजों का गुणगान किया गया है। क्या है? भगवान, भक्त और भक्ति, 3 चीजों का। पहले भगवान का गुणगान है, फिर भक्ति का गुणगान है, फिर लास्ट में भक्त का गुणगान है। तो इन 3 चीजों से बना हुआ है ये रुद्र गीत। और इसको सुनाने के बाद बोल रहे हैं भगवान शिव प्रचेताओं को कि अथ इदम नित्यदा युक्त हो, कि अथ अब जो मैं सुनाया, इदम जो भी सुना रहा था, नित्यदा, नित्य मतलब डेली, दा मतलब हर समय, युक्त हो, बहुत युक्ति पूर्वक जपन, जपने से अवहित उमान, मतलब इसको बहुत ध्यान पूर्वक और सतर्कता पूर्वक इसको आपको जपना। इसे जपने से क्या होगा? अचिरात, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अचिरात श्रेय आप लोती, जो भी श्रेष्ठ होगा, टॉप मोस्ट चीज होगा, उसको आप लोग प्राप्त करिएगा। और टॉप मोस्ट चीज क्या है वो भी शिव जी बता दिए हैं। क्या है? वासुदेव परायण, कि आप वासुदेव के परायण हो जाओगे, आप भगवान के, भगवान कृष्ण के भक्त हो जाएंगे इसको प्रतिदिन जपने से, है कि नहीं? शिव जी महिमा बता रहे हैं इसका। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि मतलब सबसे टॉप मोस्ट किसका भजन है, आप लोग को पता होगा ये, किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो पार्वती जी के प्रश्न पे शिव जी कह रहे हैं, आराधना नाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि जितने भी प्रकार के आराधना है, पूजा पद्धति है, भजन है, तो सर्वश्रेष्ठ किसकी आराधना है? विष्णु भगवान का आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और तस्मात परतरो देवी तदिया नाम समर्चनम, इसके बाद बोलते हैं कि उससे भी बड़ा है भगवान के भक्त का आराधना करना, भगवान के भक्त का आराधना करना उनसे भी बढ़ करके है। तो मतलब जिस, तो अब ये बात जब शिव जी बोलने के बाद स्मरण कर रहे थे तो उनके मन में लगा कि देखो ऐसे तो भगवान जो कृष्ण हैं मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते नहीं है, जब भी मैं बोलता हूँ आपका भक्त है, मैं आपका दास हूँ, तो बोलते नहीं नहीं आप इतने महान हैं, ऐसे करके आप महान व्यक्ति हैं। तो अगर एक उपाय, अगर मैं भगवान का किसी तरह से, मतलब अगर भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ तो उसका क्या उपाय है, तो उसके उपाय करने के लिए शिव जी ने क्या किया, बहुत वर्षों तक तपस्या किया, तपस्या किए, इसके बाद फिर भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के फिर बोले कि बताओ क्या वरदान आपको चाहिए। तो शिव जी भगवान से वरदान मांगे कि हे भगवान, आप अगर सच में मुझे प्रसन्न है मेरे पे, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी पूजा आपसे भी ज्यादा हो। तो शिव भगवान फिर समझ गए इस बात को, भगवान ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है आपकी पूजा मेरे से ज्यादा होगा। पार्वती जी कंफ्यूज हो गई कि बताइए जिन भगवान का आप हमेशा पूजा करते रहते हैं, जिनके गुणों का गान किया करते हैं, भागवत, भागवत क्या है, भगवान और भक्तों के गुणों का गान है, तो आप उनसे कह रहे थे कि आपसे ज्यादा पूजा हो। तो बोले हाँ, इसलिए मांगा मैं कि भगवान ने कहा, क्या कहा है, तस्मात पर करो देवी तदिया नाम समर्चनम, कि मेरे जो भक्त हैं उनका मेरे से भी ज्यादा भक्ति होनी चाहिए। तो अगर मेरी भक्ति ज्यादा होगी, इसका मतलब मैं भक्त हो गया, भगवान मुझे अपने दास के रूप में, भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो इनडायरेक्ट उन्होंने ऐसा किया। तो आज हम देखते भी हैं इस संसार में कि बहुत ज्यादा पूजा होता है शिव जी का, है कि नहीं? शिव जी ने वरदान मांगा था एक्चुअली, क्यों? भगवान का भक्त कहलाने के लिए। तो भगवान ने कहा था मेरे भक्त का पूजा ज्यादा हो, मद भक्त पूजा भ्याधिका, कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्त का पूजा का अधिकार है। तो इस बहाने भगवान शिव भक्त बन जाएंगे। तो शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और यहाँ पर परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर भगवान शिव जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री कृष्ण की जो परम पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण है, उनके कृपा की याचना किया है कि नहीं? जैसे इसी शिव जी का जो गीत है रुद्र गीत में भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान का और ऐसे भगवान के भक्तों का मैं संग चाहता हूँ, उनके चरण धूलि की वांछा चाहता हूँ, है कि नहीं? इसी रुद्र गीत में बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी
अगर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद के 14वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी का प्रार्थनाएं हैं, उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करें कि हे भगवान, किसी पर अगर आपकी विशेष कृपा अगर मेरे पे होती तो मैं इस ब्रज में क्या हो जाता, एक लता का, एक पौधे का, एक घास का, तिनके का अगर जन्म मिल जाता, ताकि आपका और आपके भक्तों का चरण धूलि मेरे माथे पे, मेरे मस्तक के सर पर मिलता। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर ये जो भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, महाजन लोग हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है कि नहीं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और हमें भी चाहिए, प्रभुपाद जी इसमें प्रपट में लिख रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करने से हमें सब कुछ मिल सकता है। कुछ भी ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो कि भक्ति से हमें नहीं मिल सकता है। और भक्ति अगर नहीं करेंगे भगवान का, तो अगर कुछ भी हमें मिल जाए, सब टेम्पररी है। भक्ति नहीं करेंगे, कुछ भी अचीव कर लें, टेम्पररी है सब कुछ। देखिए भागवत के चतुर्थ स्कंद में आता है, ध्रुव महाराज का स्टोरी आता है कि कैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रणाम करके, नमस्कार करके, भगवान को प्रसन्न करके क्या प्राप्त कर लिए, जो आज तक ब्रह्मा जी ने भी नहीं प्राप्त किया था। अगर हम क्रमो मुक्ति में पढ़ते हैं, दो प्रकार की मुक्ति हो, सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति, तो क्रमो मुक्ति में हम पायस कर्म करते जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते जाते हैं, पायस कर्म करते करते ऊपर के लोकों में जाते जाते फाइनली हम ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करते हैं, कि नहीं, टॉप मोस्ट पायस कर्म करके कोई जीव प्राप्त कर सकता है। और देखिए भक्ति इसको प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा, और भक्ति करके ध्रुव महाराज ने 6 महीने में ही ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त कर लिया है, कि नहीं, ये भगवान का भक्ति का वो है। एक मैं लेक्चर सुन रहा था श्री राधा गोविंद महाराज जी का, वो बता रहे थे कि बताइए, कोई प्रसंग था, पूतना का प्रसंग था भागवतम का, दसवें स्कंद का पहले मतलब शुरुआत का, कि लंका को प्राप्त करने के लिए रावण को बहुत तपस्या करना पड़ा, 10-10 बार अपने सर को कटवाना पड़ा, सर काट करके शिव जी को आहुति देने से तब जाकर के उसको लंका प्राप्त हुई। और वही लंका विभीषण को, भगवान को बस एक बार सर झुकाने से भगवान ने दे दिया है, कि नहीं। तो ये देवताओं को आराधना करेंगे और कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है, और भगवान वही चीज आसानी से दे देते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत मेहनत से मिलता है, और वही पद नहीं चाहते हुए ध्रुव महाराज को दे दिया भगवान ने। ध्रुव महाराज बोल रहे थे, कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याच्छे, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हुए भी उनको इतना बड़ा पद दे दिया। एक बार असित कृष्ण गोस्वामी महाराज यहाँ पर आए हुए थे, और ध्रुव महाराज के इसी प्रसंग पे लेक्चर ले रहे थे इसी मंदिर में, बता रहे थे कि भक्ति करने से बड़ा ऐश्वर्य होता है वो घालू में मिल जाता है। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, जैसे होता है ना कि मान लीजिए 100 ग्राम अगर कोलगेट का पेस्ट खरीदेंगे तो एक टूथब्रश फ्री, तो वैसे भक्ति करने से जो ये भी जो चतुर्थ पुरुषार्थ होता है ये सब फ्री में मिल जाते हैं, मतलब इसके साथ ये फ्री, तो भक्ति के साथ ये सारे ऐश्वर्य फ्री में मिल जाते हैं। मुक्ति मुकुलांजलि से विमानम ऐसे कहते हैं ना यमुनाचार्य जी की, जो मुक्ति है मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, तो नहीं बिल मंगल ठाकुर जी उनका ये पद में आता है। तो इस प्रकार मतलब भक्ति का ये है कि भगवान की भक्ति करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति करने से मतलब भागवत में आता है पंचम स्कंद में, ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान से, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, कि जितने गुण होते हैं देवताओं के वो सारे के सारे गुण समा जाते हैं, अपने आप समा जाते हैं भक्ति करने से। एक मैं प्रवचन सुन रहा था हिजानंद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, गुरु महाराज का, तो किसी मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, उसमें एक भक्त ने प्रश्न पूछा, अभी कल ही किसी ने वीडियो शेयर किया था, सुन रहे थे,
कल परसों में कि बहुत अच्छे से कई तरह के गुणों का उन्होंने चर्चा किया कि ह्यूमिलिटी को अपने अंदर अगर प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए और तेनादपी को लाना है, कई सारे ऐसे गुण बताते हैं ये प्राप्त करना हो तो महाराज कैसे हो सकता है। महाराज बस एक लाइन में आंसर दिया, ध्यान पूर्वक जप करिए, भगवान की भक्ति से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो जाए। वही यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो प्राप्त नहीं किया जा सके, और अगर भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे, कृष्ण की कृपा नहीं, और बाकी किसी की भी अगर कृपा प्राप्त कर लेना क्षणिक है, साथ नहीं देगा। जैसे कि भागवत में आता है कि बाणासुर का प्रसंग आता है कि किस प्रकार बाणासुर ने शिव जी को इतना प्रसन्न कर लिया था कि शिव जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे राज्य में तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई भी तुम्हारे पे आक्रमण करेगा मैं लड़ूंगा पहले। और बाणासुर के राज्य में शिव जी साक्षात रहते थे, और वो चैप्टर है कृष्णा बुक में पढ़ेंगे भागवत में, उषा तथा अनिरुद्ध का मिलाप, उसमें आता है कि बाणासुर जब उषा को इन्होंने कैद करके रख दिया था अनिरुद्ध को, तो भगवान अनिरुद्ध जी को छुड़ाने के लिए गए थे, तो शिव जी लड़ने के लिए आए भगवान कृष्ण से बाणासुर को बचाने के लिए, और कुछ भी, और शिव जी बाणासुर को बचा नहीं पाए, सारे के सारे हाथ पैर काट करके भगवान ने भुजाओं को काट दिया। वो भगवान जी ने, भगवान ने इसलिए छोड़ा था उसको बाणासुर को, कई इसमें आता है प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं कि शिव जी के चलते उन्होंने छोड़ा था, ठीक है कारण था, लेकिन मेन कारण था क्योंकि प्रहलाद महाराज के वंश में आता था ये बाणासुर, और प्रहलाद महाराज को उन्होंने वचन दिया था, प्रहलाद महाराज के बेटे बलि महाराज, उनके बेटे विलोचन के महाराज बाणासुर, विलोचन का बड़ा पुत्र था, कि तुम्हारे वो उसमें मैं रक्षा करूंगा, वध नहीं करूंगा, तब जाके भगवान ने उनको छोड़ा था। तो देखिए मतलब, और एक स्टोरी आता है जिसमें रावण का, जब भगवान राम मार रहे होते रावण को, तो लाखरी में लड़ने जाने से पहले बिल्कुल शिव जी को याद करता है कि हे भगवान, हे पशुपतिनाथ, मैं आपको बहुत प्रसन्न करके रखा हूं, आप मेरे राज्य में मतलब मेरा इष्ट देव बन करके रहते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। जब रावण मर रहा होता, भगवान राम उस बाण को जब सांधते हैं, तो पार्वती जी बोलते हैं अरे आपका भक्त खतरे में जाके रक्षा कीजिए, शिव जी बोलते हैं नहीं, जिसको भगवान मारना चाहे ना मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहा करते थे मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, ये भागवतम का सप्तम स्कंद का हिरण्यकश्यप का प्रसंग प्रभुपाद जी ने लिखा भी है भागवत में, और लेक्चर में भी बोले हैं कि जब भगवान हिरण्यकश्यप को मारना चाहे, ब्रह्मा जी का मोह वर प्राप्त था, कोई रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया, और जब भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे, प्रहलाद महाराज का भगवान रक्षा करना चाह रहे थे, वो हिरण्यकश्यप जो सर ऊपर ऐसे करता था, तो मतलब जो दिन में भी रात किया कर दिया करते थे सूर्यदेव, छिप जाया करते थे, वो हिरण्यकश्यप जो अपने गेट के अंदर एंट्री मारने पर बड़े से बड़े जो देवता भी थे, शनि देव का सेवा लगा हुआ था सैल्यूट मारने का, और सारे देवताओं की पत्नियों को अपने सामने नृत्य कराया करता था, वो हिरण्यकश्यप पूरा का पूरा प्रयास कर लिया कि किसी तरह से मैं मार दूंगा, मार पाए नहीं मार पाए, एक छोटा सा बालक उनके नाक में दम करके रखा हुआ था, है कि नहीं, क्यों, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, कृष्ण जिसको रक्षा करना चाहेंगे कोई नहीं मार सकता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य का शुरुआत ही कर रहे हैं, सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना, है कि नहीं। तो ये पूरे भौतिक जगत का क्रिएशन ही किया गया है, अभी भक्ति विवाह में हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड कैंटो क्रिएशन, तो उसमें ये मतलब समरी ये था कि पूरे भौतिक जगत का क्रिएशन किस लिए किया गया है, सार रूप में क्रिएशन का एकमात्र पर्पस यही होता है जीवों को मौका देना कि वो भक्ति करके निकले यहां से, बस, और कोई कारण नहीं होता भौतिक जगत को बनाने का। ब्रह्मा जी को इतना मेहनत करने का, इतना देवता, इतने मिनिस्ट्री है, इतना देवता लोग इतना सब कुछ चला रहे हैं, ग्रह लोग सारे बनाए गए हैं, इतने बड़े बड़े फैक्ट्री, कार, बिल्डिंग, इतना बड़ा मंदिर, एकमात्र लक्ष्य ये जो पर्पस है पूरे क्रिएशन का, जीवों को मौका दें कि भक्ति करके यहां से निकल जाए,
और सर्वोदर हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि कृष्ण में अपना चेतना लगाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे जैसे हो जाए। जैसे सुखदेव गोस्वामी कैसे सिद्धि प्राप्त की, हालांकि वो पहले से ही सिद्ध थे, लेकिन वो आचार्य कहे जाते हैं किसके, कीर्तन के, भगवान के गुणगान करके कीर्तन करके उन्होंने भगवत प्राप्त किया। परीक्षित महाराज श्रवण करके, है कि नहीं, और ऐसे इसमें वंदनम का आ रहा है। वंदनम से कौन प्राप्त करते हैं, अक्रूर जन, है कि नहीं, वंदनम के आचार्य कहे जाते हैं। और अर्चनम, अर्चा विग्रह का वो करके पृथु महाराज। तो अलग अलग नौधा भक्ति के, मतलब प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे, मैं सुना कि चाहे तो चाहे आप नौ, जो नौधा भक्ति के नौ लक्षण है, चरण है, इनका पालन करके भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे तो आठ करके, चाहे तो सात का पालन करके, छह पांच, या चाहे तो एक का भी पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। किसी एक में तो अलग अलग भक्त का अलग अलग वो होता है स्वभाव, जो जाए हमारे स्वभाव के अनुसार जो मेथड हमें सूट कर रहा हो सारा कर जाए। जैसे कि आता है कौन, दुर्वासा मुनि किसके चरणों में, अमृत महाराज, सारे के सारे उसको पालन करके वो दिखाए जिसमें हमारा मन लग गया। कोई भक्त बहुत अच्छा कीर्तन में मन लगता है, किसी भक्त का भागवत श्रवण में मन लगता है, किसी को जप अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन में डांस करना अच्छा लगता है, कई माताएं हैं उनको भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना अच्छा लगता है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, बाकी सर्वे विधि विशेषां तु एतयो किंकरा, कि सततम स्मरतम व्यम विष्णु, कि हमेशा भगवान का स्मरण होए और भगवान का विस्मरण ना कभी होए, ये मेन प्रिंसिपल है। इसको जैसे भी किया जाए वैसे करना चाहिए। एक अभी कृष्ण करणामृत में आता है, बिल मंगल ठाकुर जी लिख रहे हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र, उसमें एक पद है जिसमें भगवान के स्मरण के बारे में आता है, विक्रे तु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम् मोहवसादि वोचद् गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पर बिल मंगल ठाकुर जी बता रहे हैं गोपियों के बारे में कि बेचने के लिए जब जा रही थी दही और इसकप को, जो गोपी लोग हैं मथुरा के लिए, जैसे कि मथुरा में ये वृंदावन में ये सब ज्यादा हुआ करता था, सारे दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें बोल रहे हैं विक्रे तु कामा, कौन सा कामना, बेचने के काम से, विक्रे तु कामा किल गोप कन्या, जितनी भी गोप कन्याएं हैं, गोप वधुएं हैं, बेचने के लिए जा रही थी मथुरा में, लेकिन मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, उनका जो चेतना था, कॉन्सियसनेस था, हमेशा मुरारी कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित था, चित्त और वृत्ति हमेशा 24 घंटा कृष्ण के उसमें लीन रहता था। तो दध्यादिकम मोहवसादि वोचद, कि दधि आदि, दध्य आदि मतलब दही बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए, घी बेचने के लिए जब जा रही है, मोहवसादि वोचद, क्या बोल रही है, इतना ज्यादा कृष्ण में चेतना रमा हुआ कि क्या बोल रही थी, कि कोई एक किलो दही ले लो, कोई एक पाव छाछ ले लो, आधा किलो दही मतलब घी ले लो, एक पाव मक्खन ले लो, इतने रुपए किलो, सॉरी बोल रही थी माधव, हाँ कृष्ण दामोदर माधवेती, कि एक पाव कोई दामोदर ले लो, कोई एक पाव कृष्ण ले लो, कोई एक पाव वसुदेव ले लो, 10 रुपए किलो कृष्ण, 20 रुपए किलो माधव, 40 रुपए किलो दामोदर, कोई ले लो दामोदर को ले लो, कोई माधव को ले लो। मोह वसादि वोचत श्री कृष्ण दामोदर माधवेदी, क्यों इतना ज्यादा कृष्ण चित्त में थे, क्यों वो ये भूल गए कि क्या हम बेचने आए हैं, कोई दामोदर को ले लो, कोई कृष्ण को ले लो, वासुदेव को ले लो, ये बेच रही थी वो। तो इस तरीके से मतलब हमारा चेतना रमना चाहिए कि कृष्ण में, कि जो भी कार्य करें। और यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक इसका जप करने से, तो जो भी हमें 4 नियम 16 माला का जो नियम
प्रभुपाद जी के द्वारा मिला हुआ है उसको ध्यान पूर्वक जपे और नित्यदा नियमित रूप से, है कि नहीं, नियमित रूप से और ध्यान पूर्वक जप जपने से तब जा करके भगवत प्राप्ति होगी। नष्ट प्रायसु भद्रेशु नित्यम भागवत है। अगर नित्यम भागवत, इसमें यहाँ पर प्रभुपाद नित्यम का उसमें लिख रहे हैं डेली अटेंडिंग भागवतम क्लास, है कि नहीं, भागवतम में लिखे हैं। तो इस प्रकार अगर हम प्रतिदिन आते हैं और ध्यान पूर्वक भक्ति करते हैं, और भक्ति ऐसा प्रोसेस है प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं जो कि अक्षय है, बाकी सब कुछ क्षय हो जाना है, सब कुछ क्षय हो जाना है, एकमात्र जो भक्ति ही है वो अक्षय है जो कि हमेशा साथ देगी। और प्रभुपाद जी बता रहे परपट में कि शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े महाजन बता रहे हैं, इसलिए उन महाजनों के महाजन ये ना गता सपन था। भगवान गीता में भी बोल रहे हैं 240 में कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वाल्पम अपियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्व अल्पम अपियस्य धर्मस्य, थोड़ा भी भक्ति कर देते हैं ना यह अभिक्रम नाशो अस्ति, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई घटास भी नहीं होता, घटोत्री भी नहीं होता है, जितना कर दिए हमारे खाते में स्टोर हो गया बिल्कुल, जो होता है ना परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, तो भक्ति का जो अकाउंट है पैन अकाउंट है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल करके मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। और स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी भक्ति कर गए त्रायते महतो भया। आता है ना भगवत गीता के 6:41 में सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाए थे, कि अगर भक्ति कर लिए अगर पूर्ण नहीं भी हो पाए, अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान उनका क्या होगा जो भक्ति कर गए, और क्या उनका हालत उन बादलों के जैसे नहीं होगा जो हवाओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान बोले नहीं, कोई घाटा नहीं होगा, कोई घाटा नहीं है, अगर पूर्ण नहीं भी हो गया तो सुचिनाम श्रीमताम गेहे, मनुष्य का जीवन मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, तो कोई घाटा नहीं। और इसके अपोजिट में कोई अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो व्यास देव जी बोल रहे हैं त्यक्तवा को धर्मम चरणाम बुजाम हरे भजन अपको अथ पते ततो यदि यत्र क्व अबध अमुष अबुद किम को आप तो आपको भजताम स्वधर्मतः। कि अगर भक्ति नहीं किए, एक तो केस है कि त्यक्तवा स्वधर्मम, सारे धर्मों को अपना जो स्वधर्म है त्याग करके भक्ति में आ गया, और भजन अपको अथ पते ततो यदि, कि अगर मान लीजिए मेरे जैसे सेंटिमेंटल आदमी था, सब आ रहे थे वो भी आ गया, चलो जी सब आश्रम चल रहे हम भी चलते हैं, कुछ भी अगर अपको भजन उतना गंभीर नहीं है, अगर पतन भी हो गया तो इसमें व्यासदेव जी कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव जी से क्या घाटा हो गया, जितना भी भक्ति कर दिया उतना तो उसके इंटरनल खाते में हो गया ना। मैं जब आश्रम में आने वाला था ये मेरे मन में बहुत चलता था कि मैं जा रहा हूँ मंदिर में, जितने दिन भी अगर रह जाऊं, अरे मान लीजिए अगर कई लोगों को मैं देखा हूँ कुछ छोड़ के चले भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितने दिन रह जाऊं उतने दिन जीत है, भक्ति तो कभी नष्ट नहीं होनी है। और देश में जब पहली बार मैं आया था DYS के बाद, मैं और प्रभु जी क्लास में आए थे, तो प्रभु जी ने क्लास लिया था और पहला मेरे जीवन का श्लोक था नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि कभी खत्म नहीं होता, तो यही सोचा था कि खत्म तो भक्ति होनी नहीं है, तो जितना भी कर ले उतने दिन तो जीत हुआ, और ऐसे भी कुछ भी अचीव कर ले जब कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत में पहली बार आता है तो ब्रह्मा का योनि मिलता है उसको, ब्रह्मा जी का योनि मिलता है, और फिर गिरते 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 हम यहाँ तक आ जाते हैं। जब उस मतलब ऐश्वर्य पा करके, धन ज्ञान बुद्धि पा करके, जब ब्रह्मा जी के योनि में संतुष्ट नहीं हो तो क्या इसमें पौधों को क्या ऐसा अचीव कर लेंगे, ब्रह्मा जी से कोई बड़ा पोस्ट पालेंगे, धन ऐश्वर्य संपदा पालेंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए क्या है, कुछ भी अचीव कर लें सब टेम्पररी है, बस भक्ति परमानेंट है। इसमें नारद मुनि कह रहे हैं कि भजन अपको यथ पते ततो यदि, कि चलिए पतन भी हो गया क्या घाटा हो गया, अबध अमुष अमुद किम क्या घाटा हो गया। और दूसरे अपोजिट अगर पार्टी में, कि अगर कोई अगर अच्छे से अपना धर्म पालन कर भी कर दिया
राज्य के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, परिवार के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म क्या प्राप्त कर लेगा? समय के जो जो कर्म है, जो पांच विषय वस्तु है गीता में, उसमें कर्म कर्म क्या है, ये टेम्पररी है, सब समय के साथ खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाना है, परमानेंट नहीं है। बट भक्ति जितने कर लिए उतना हमारे खाते में अक्षय फल देगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला फल देगा। और यही भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यही परफेक्शन जीवन का होना चाहिए, कि हम वो भगवान के भक्ति में लगे और भगवत धाम को भगवत प्राप्ति करें। और क्या लक्ष्य होना चाहिए? न उत्पादयेत रतिम यदि श्रमे हुई केलम, कि सब कुछ कर लिए भगवान में अगर रति नहीं उत्पन्न हो गया, हो पाया, तो फिर क्या है, श्रम एव ही केवलम, सब कुछ लास्ट में क्या बोला जाएगा कि माया द्वारा मैं चीट हो गया। आखिरी में दो मिनट का स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार कृष्ण प्रिया प्रभु जी सुनाए थे यहीं पे, बहुत अच्छा लगा था, कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है एक राज्य में, रानी का वो सर्वेंट होता है, सेवा करता रहता है, तो प्रतिदिन आता है रानी का, अच्छे से सेवा करता है वो। तो एक दिन उस व्यक्ति के घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, मतलब नहीं, रानी के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, और रानी ने, और उस दिन वो व्यक्ति छुट्टी ले रखा था कि महीने में 29 दिन वो काम करता था, रानी के यहाँ एक दिन छुट्टी लेता था, अपने ड्यूटीज को वर्शिप करता था अच्छे तरीके से, पूरा अभिषेक वगैरह करके उनके लिए पूरा भोग बना करके पूजा करता था। तो उस दिन उन रानी के यहाँ कुछ मेहमान रानी के आए, तो रानी सेवक से को भेजी कि जाओ बुला करके आओ, बहुत अच्छा सेवा करता है वो। तो गया वो सेवक, बोला कि भाई रानी बुला रही है। तो सेवक बोला कि देखिए आज मेरा छुट्टी का दिन है और मैं आज अपने घर में बिजी हूं, तो बोल दीजिए रानी को कि आज मैं नहीं आऊंगा। तो सेवक गया, जा करके रानी को बोला कि महारानी जी वो बोल रहा है कि आज मेरा छुट्टी है और आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोली रानी की, ओ उसकी इतनी मजाल, मैं उसको बुला रही हूं, मैं पूरी राज्य की रानी हूं, मैं उसको बुला रही हूं और मेरे को मना कर रहा है, जाओ उसका वध कर दो। तो सैनिक लोग जाते हैं, भाई इतना मजाल उसको कि रानी की आज्ञा को, राज आज्ञा को अवहेलना कर दे वो व्यक्ति। तो जाते जाते हैं उसको, तो जब जा रहे होते रास्ते में, तो रास्ते में वो आ रहा होता है उधर से, आ रहा होता उधर से, तो फिर सैनिक लोग बोले कि ओ अच्छा किए तुम आ रहे हो, नहीं तो हम तो तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे, रानी ने आज्ञा दिया था कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम आ नहीं रहे हो, जाओ उसको मार दो, तो हम तुम्हें मारने आ रहे थे, अच्छा किए तुम आ गए खुद से, नहीं तो आज हम मार भी होते। तो आया वो व्यक्ति, अच्छे से सेवा किया रानी के मेहमानों का, रानी का, रानी उसे प्रसन्न हुई, चला गया। अगले दिन दोबारा जब आया तो रानी से बोला वो व्यक्ति कि हे रानी आप क्षमा कीजिएगा, कल मैं आ नहीं पाया था क्योंकि कल मैं अपने डिटीज का, वो घर पे मेरा कुछ काम था, कल मैं इसलिए आ नहीं पाया। तो रानी बोली अरे तुम आए तो थे। बोली नहीं नहीं मैं कल कहाँ आया था, कल तो मेरा छुट्टी। अरे नहीं नहीं तुम आए थे, मैं तो तुम्हें, तुम क्षमा करना मुझे, मैं तुम्हें मतलब मारने का ऑर्डर दे दी थी लेकिन तुम आ गए थे। तो फिर उसको एहसास हुआ मैं तो आया नहीं, फिर उसको ये लगा कि देखो भगवान मेरे बदले जिनकी मैं एक दिन सेवा करता हूँ, मतलब 29 दिन इसकी सेवा करता हूँ, एक दिन नहीं आया तो मारने का ऑर्डर दे दिए, और जिस भगवान का एक दिन सेवा करता हूँ वो मेरे को बचाने के लिए यहाँ पर आ गए, वो मेरे बदले मतलब सेवा करने के लिए आ गए। इतने बड़े भगवान भक्तवत्सल है कि कुछ भी कोई कर देता है उसको कृष्ण भूलते नहीं। कई कई ऐसे और स्टोरी शास्त्रों में आता है कि थोड़ा भी कृष्ण का किया गया सेवा कृष्ण भूलते नहीं है। और यहाँ पर भगवत मतलब भौतिक जगत में किसी के लिए अगर कुछ भी कोई कर दे, जब तक कर रहा है तभी तक ठीक है, अगले दिन ना करे तो आज तक तुमने किया ही क्या मेरे लिए। लोग बुढ़ापे में पिताजी को अपने बोल देते कि आज तक किया ही क्या अपने लिए, बताइए। तो ये भौतिक जगत का रिलेशन और ये भगवान के साथ रिलेशन है। इसीलिए श्री प्रभुपाद बहुत ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं आज के उसमें कि वासुदेव का भक्त बनना ही जीवन का लक्ष्य है। वासुदेव के भक्त बनकर हम जो चाहे वो वर प्राप्त कर सकते हैं, और सभी नियमों का लक्ष्य है वासुदेव का भक्त बनना। जीवन का चरम लक्ष्य वासुदेव या कृष्ण है, कई बार इसको रोटेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी।
तो देखिए जो भी ये जीवन मिला हुआ है अपने कर्मों के बदौलत, बेस्ट प्रयास यही रहना चाहिए कि येन केन प्रकारेण कृष्ण में हम अपना मति लगाएं, कृष्ण को लक्ष्य बना करके जीवन यापन करें। तो यही आज के श्लोक से मुझे समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप करी है, कुछ कोई बोलना चाहे, कोई बोल सकते हैं। यस प्रभु जी आ ही रहा है, कोई आ रहा है। तो नवधा भक्ति, हाँ ठीक। हरे कृष्ण, वो रिकॉर्डिंग है, बोलिए बोलिए, रिकॉर्डिंग है, बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, तो नवधा भक्ति के बारे में जैसे आपने बताया कि नवधा भक्ति के 9 अंग हैं और 9 अंग जो हैं उनमें से किसी से भी एक से भी आसक्ति हो जाए तो उद्धार निश्चित है, ठीक है, भगवत प्राप्ति निश्चित है। और ऐसा हमने भागवतम में भी पढ़ा है और कई जगह सुना भी है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो नवधा भक्ति के अंग हैं, क्या हम उनको इंडिपेंडेंट मान के चलें? अब जैसे परसों गोपी भाव प्रभु आए थे तो उन्होंने जैसे हरिनाम रुचि के ऊपर बहुत अच्छा बताया और हरिनाम रुचि के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रीडिंग एंड लिसनिंग के ऊपर बहुत बल दिया। तो यहाँ पर हम देखें तो हरिनाम रुचि जो हमारा कीर्तन है, जो कीर्तन है और जो भागवत श्रवण या रीडिंग है वो इंटर रिलेटेड है। तो बाकी के अंग जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या वो भी इंटर रिलेटेड है? क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो यही होना चाहिए सभी अंगों का कि हरि नाम में रुचि हो और ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे इलैबोरेशन चाहिए। अच्छा प्रश्न है जी आपका। प्रत्येक जो इंडिपेंडेंट है, तो जैसा कि मैं श्रवण किया हूँ प्रोजी, और ये प्रश्न यहाँ पर और भी भागवत क्लास में आ चुका है इसी मंदिर में, तो उसमें तो जी मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, बाकी और सीनियर वैष्णव करेक्शन दे सकते हैं। अच्छा प्रश्न ये है कि जैसा कि प्रोजी बताते आज क्लास में ऐसा आया था कि नवधा भक्ति के किसी भी अंग को पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या नवधा भक्ति के जो भी अंग है मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं या सब इंडिपेंडेंट है अपने आप में? तो मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है प्रोजी कि सब इंटर रिलेटेड हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। मतलब इंटर रिलेटेड ऐसा कैसे है कि जैसे अगर भगवान के जैसे श्रवण में बहुत आपको इच्छा लग रहा है, एक बार मेरी रुक्मणी कृष्ण जी से बात हो रही थी यहीं पे गेस्ट हाउस में, तो प्रभु जी बताती कि अगर किसी का बहुत अच्छा हरिनाम में अगर टेस्ट आ रहा है ना तो उसका कथा में मन लगेगा ही लगेगा। अगर कोई बहुत अच्छा भगवत कथा में अगर रुचि आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हरिनाम उसको लेगा और हरिनाम को काटने लगे, छी छी किसका नाम दे रहा है, कृष्ण का नाम में नहीं लेगा, या कृष्ण का दर्शन करने में उसको अच्छा ना लगे, या कृष्ण के लिए पाद सेवनम धाम यात्रा में अच्छा ना लगे। तो अगर किसी एक में आएगा तो एक्चुअली उसका लक्ष्य क्या है, कृष्ण की तरफ आकर्षण करना, तो आकर्षण आएगा ही प्रभु जी। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जरूरी नहीं कि प्रत्येक अंग में लग जाए। किसी को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, किसी को भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई एक अंग भी प्रभु जी अपने आप में इंडिपेंडेंट है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। मैं आपको प्रभुपाद जी का वो लेक्चर भेज दूंगा, एनओडी के ऊपर लेक्चर है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 9 का पालन करना चाहिए, फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद की 8, 7, 4, 5 एट लीस्ट वी शुड फॉलो 1, और प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि प्रत्येक नवधा भक्ति में 9 में से किसी का भी पालन कर देना तो उसके अंदर ये क्षमता है भगवत प्राप्ति करा देने का, कृष्ण को प्राप्त कर देने का। और अगर किसी एक में भी रुचि आ गई प्रभु जी तो ऐसा नहीं कि दूसरा हमें बुरा लगेगा, हम भले उतना रुचि नहीं आएगा उसमें लेकिन उसके प्रति भी हमारा अट्रैक्शन रहेगा, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली हम कृष्ण के लिए वो कर रहे होंगे, है कि नहीं? या कोई और सीनियर वैष्णव इसे कोई टीका टिप कर देना चाहे? कैसे सारे के सारे तो है
तो जी मेरा भी यही डाउट था, मेरा प्रश्न था कि जीव जो पहली बार आता है तो कहाँ पे आता है, तो तत्व संदर्भ में वर्णन है और भागवतम के सेकंड कैंटो में वर्णन है, तो दो जगह मैं रुक्मणी की स्मृति से ही प्रश्न पूछा था, दो बार पूछा था, फिर यहाँ भी एक बार आए थे तो पूछा था, वो तो श्लोक मैं आपको भेज दूँ, उन्होंने दो श्लोक मेरे को बताए थे जिसमें, और प्रभुपाद जी में पर्पट में भी लिख रहे हैं कि जीव को जब सबसे पहले आता है तो उसको ब्रह्मा का उद मिलता है, प्रभु जी दो जगह इसका वर्णन प्रभु जी ने मुझे बताया था। जी जी वो लेक्चर एक बार रुक्मणी किशोर जी ने लेक्चर में लिया था, उसमें मैं सुना था, मेरे को भी डाउट था, तो जी दो जी ने बताया था, श्लोक कोट किया था। ठीक है, ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर हरि बोल, हरे कृष्ण।